हाँ, ये मुझे पता है कि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो आपके पास हमेशा ऑप्शन होता है 2x, 1.5x, 1.75x या फिर 1.25x पे देखने का। सो रेदर देन ब्लेमिंग, इफ़ यू वॉन्ट टू लिसन वट आई टोल्ड इन दैट वीडियो, एंड सेल्फ टॉक है ये, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप कंप्लीट वॉच करो, लेकिन इफ़ यू विश एंड पढ़ाई कर रखी है अच्छी खासी, तो अपन अगर किसी को सुनते हैं तो कोई ज़्यादा बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने के बाद, या फिर बिल्कुल पढ़ाई करने का मूड नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो देखेंगे, इफ दैट कैन बी दैट दिस वीडियो, तो गो अहेड वरना डोंट। मोटिवेशनल टॉक और रियलिटी में फर्क होना नहीं चाहिए, होता है। फेलियर, फेलियर कई लोग 50% टाइम आने को फेलियर बोल देंगे। फेलियर तब तक नहीं होता है जब तक अपन ने कोशिश ना करी हो। कोशिश ही नहीं कर रहे हैं और रिजल्ट आने पे बोल दे रहे हैं मैं फेल कर गया, कभी रोना रो रहे हैं और कभी उस पर गॉसिप किए जा रहे हैं, कभी किसी से सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं और तो कभी खुद को कोस रहे हैं। बुलशिट, पहले एफर्ट डालना है, तभी तो अपने आप को, अपने रिजल्ट को एनालाइज करना है, वरना उसका बेकार है। सप्ताह भर पहले हमने आंसर की चेक किया हुआ था या फिर एग्जाम देके आए थे, और आज 25 तारीख है। इन दिनों में बहुत कुछ पढ़ा जा सकता था, इंडीड बहुत ने पढ़ा भी होगा, लेकिन पूरे इंडिया की बात करें तो कितने लोग होंगे इसमें? गिन चुन के नंबर होंगे, परसेंटेज में तो नंबर ही नहीं होगी। 6 लाख जो बच्चे होते हैं एस्पिरेंट, आप लोग सुनना नहीं चाहोगे, ज्ञान सबके पास होता है, करने में दिक्कत आती है, और चैनल पे जो कमेंट्स आते हैं उसमें तो बहुत ही विद्वान विद्वान लोग हैं, 150, 200 और 225 भी नंबर लाने वाले, लेकिन 50 नंबर लाने वाले भी लोग हैं, जैसे मैंने खुद 37 मार्क्स स्कोर करा हुआ है। कुछ लोग हैं इररिलेवेंट ज्ञान देने लगते हैं, मतलब ठीक है मेरे को कोई ये नहीं है, तुम्हें देना है देते रहो, मेरे को क्या है कि सबको रिप्लाई देना, शायद बंद करना पड़ेगा, वो शायद मैं उतने जतन से लगा नहीं हूं अपने पढ़ाई में। तो आप लोग सही कहते हो कि डिस्ट्रैक्शन इज देयर समवॉट, मतलब टू समवॉट एक्सटेंट, लेकिन इररिलेवेंट बात ये करते हैं कि यार उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ बोलो क्या जी जी, मतलब कि यार देख यार हम 250 स्कोर करे बैठे हैं और वो ज्ञान दे रहा है बच्चों को, तो इट हैपेंस, होता होगा 150 स्कोर करे बैठे हैं और ज्ञान दे रहा है यार, तो व्हाट्स रॉन्ग विद यू यार, नीचे ज्ञान दे दिया करो, थोड़ा पॉइंट टू बी कंसीडर्ड ये बता दिया करो, सिर्फ और सिर्फ ये बोलने से क्या फायदा, पढ़ ले यार, और कोई गाली देके चला जाता है, तो उनको तो मैं प्रणाम ही कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं मेरे को पता है, और उनके रिप्लाई में भी कुछ लोग आके बता देते हैं उनको अच्छे से, तो ऐसे लोग क्या ही कर सकते हैं, हर जगह मिलेंगे, उनको बस इग्नोर करना है, और ठीक है उनका अपना जीने का तरीका है। अपन क्या कर रहे हैं, बात इसमें करने वाले हैं कि रीजंस ऑफ फेलियर, तो पहले तो डेफिनेशन फेलियर की क्लियर कर दी, अब थोड़ा एक्चुअल डेटा पे आते हैं, जैसे संदीप माहेश्वरी सर हैं तो वो बात करेंगे जनरलाइज्ड थिंग्स में, तो हमें जब भी डीमोटिवेशन फील होता है तो उसका रीजन क्या होता है, क्लियरली स्टडी इज नॉट गोइंग दैट वेल जो कि हमने एक्सपेक्ट करी हुई है। अब हम बैठ गए किसी मोटिवेशनल वीडियो लेके, मतलब आजकल बहुत कम लोग ऐसे करते हैं, मोस्टली वो लोग या तो सो जाते हैं या तो उठ के चले जाते हैं या फिर पढ़ना बंद कर देते हैं ऐसा कुछ, और बहुत तो पढ़ते भी नहीं होते, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो मोटिवेशनल वीडियो, तो दैट इज नॉट द सॉल्यूशन ना, प्रॉब्लम थी पढ़ाई में, तो पढ़ाई में जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करना था, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, ध्यान भटक गया, किसी एक चैप्टर को कंप्लीट करने में पता नहीं बहुत ज्यादा लग जा रहा है, एक दिन में भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो प्रॉब्लम वॉज दैट, हमें किसी टीचर को कंसल्ट करना चाहिए, हम कंसल्ट कर रहे हैं एक जनरल मोटिवेशनल स्पीकर को, व्हाट द हेल, यूट्यूब पे तो आज ज्ञान देने वाले भरे पड़े हैं, तो ये एक सिंपल काफी है कि हमें जहां प्रॉब्लम हो रहा है उसका सोल्यूशन करें, थोड़ा एनालाइज खुद को करने पे समझ में आया कि हाँ फॉल्ट तो है, परसेंटाइल कम आना रीजन क्या, कि नॉलेज नहीं थी हमें सब्जेक्ट की, पहली बात, अगर नॉलेज थी तो भी कम आई, इसका मतलब हमें क्वेश्चन नहीं करने आ रहा था, वजह है प्रैक्टिस, भाई प्रैक्टिस भी करी थी तो भी आ रहा है, तो फैक्टर हो सकता है कॉन्फिडेंस, फोर्थ सिली मिस्टेक,
पांचवा इनसफिशियंट प्रैक्टिस। तो ऐसे बहुत सारे निकल सकते हैं। सारे का सॉल्यूशन क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक राइट डायरेक्शन में कदम, जहां पे अपन फॉल्ट खा रहे हैं वहां पे करेक्शन, बहुत सारी चीजों को आपस में कनेक्ट नहीं करना, यार पढ़ाई नहीं हो रही है, जिंदगी तो बेकार हो पड़ी है, यार पेट में तो पच नहीं रहा है, यार अनपच हो रखी है, यार पढ़ नहीं पा रहा हूं, जिंदगी बेकार हो रखी है। हर चीज में जिंदगी से रिलेट करने का क्या मतलब? मेहनत करनी है, रात में नींद लेनी है, घर वालों के कनेक्शन में रहना है, फ्रेंड से बात करनी है, हंसी मजाक करना है, दैट्स इट। तो अपन सबके साथ होता है और बहुतों के साथ नहीं भी होता, तो क्यों ना अपन उन्हें अप्रिशिएट करें और अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उनसे सीखे यार। क्यों मतलब क्यों रोज रोज अपन कैसे रिपीट कर जाते हैं? आज दिन भर दिन था, दिन काम करने के लिए था, हम थके और रात में सो लिया, कल से एक नया सवेरा जब शुरू होता है तो भी अपन अगर सेम रूटीन में आ रहे हैं, इसका मतलब हमने पिछले दिन से कुछ सीखा नहीं, कुछ भी करेक्शन नहीं करा। तो ये ह्यूमन इंटेलिजेंस को डाउनग्रेड करना है। अपन जेई तो छोड़ो, हटाओ, जेई तो अलग की बात है यार, अपन बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये तो सबके लिए माने, सबके लिए ये रखता है, फिर हम में और यू नो एनिमल्स में ज्यादा कोई डिफरेंस रह नहीं जाएगा। तो ये सारी चीजें, मे बी आई एम नॉट दैट इन्फ्लुएंशियल, तो आपके लिए ये चीज उतनी स्ट्राइक नहीं कर रही हूं, लेकिन सेम चीज अगर दूसरी अदाओं के साथ में, दूसरे आवाज और वेग के साथ में, दूसरे हाव भाव के साथ में, बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ में अगर बोला जाता तो शायद आपको कुछ इन्फ्लुएंस करता। लेकिन बात यह है कि अपन सही और गलत मीन्स क्या, रियलिटीज पे फोकस कर रहे हैं या फिर रियलिटीज कहां से आ रही यहां पे फोकस कर रहे हैं। अगर मैं 50% लिए बैठा हूं और 37 मार्क्स आउट ऑफ 300 यानी अप्रोक्स 10% मार्क्स स्कोर किए बैठा हूं, आई एम टोटली अ बेकार पर्सन टू बी लिसन। लेकिन अगर सुन रहे हो तो आप ये मान रहे हो कि मेरी तरफ से आवाज आ रही है या फिर वॉट एवर आई एम टेलिंग, जस्ट ये मेरी जबान है, मुद्दा तो बस वो चीज जो मैं बोल रहा हूं। तो आई मस्ट नॉट बी द सेंटर ऑफ योर फोकस, माई वर्ड शुड बी, जो कहना चाह रहा हूं दैट शुड बी। और मैं कुछ बता नहीं रहा हूं, मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, मैं बस आपके साथ सोचने की कोशिश कर रहा हूं। आप खुद से सोचते, वेल एंड गुड, स्टॉप द वीडियो एंड गो, सोचो, लिस्ट आउट करो एंड कल से प्लान करना शुरू करो। कल से प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ यहां पे आएगी कि हाँ भाई सब कुछ सॉर्टेड आउट है, मेरे को इस चीज में डाउट हो रही है, अच्छा मैं किसी फ्रेंड से कंसल्ट करता हूँ, मेरे को इस चीज में डाउट आ रही है, मैं टीचर को कंसल्ट करता हूँ। यार ये सच में डाउट क्लियर नहीं हो रहा है यार, फ्रेंड तो बहुत ज्यादा टाइम देने को तैयार नहीं है, इंडिविजुअल सर पढ़ाएंगे नहीं, बहुत पीछे हो रखी है, समझ नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा टाइम ले रहा, क्या करूं क्या करूं? तो तुम्हें सर्च करना चाहिए यूट्यूब पे उस टॉपिक से रिलेटेड। यार अब तो हर एक टॉपिक, ईच एंड एवरी टॉपिक पे 20 वीडियोस तो बेस्ट एंड बेस्ट आ ही जाते हैं, अपन को सिर्फ सेलेक्ट करना है। अपन इसमें भी टाइम नहीं दे सकते कि खोरा पे जा रहे हैं और हु इज द बेस्ट टीचर फॉर इनऑर्गेनिक, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दिक्कत आ रही थी, किसी एक प्रॉब्लम में दिक्कत आ रही थी और अपन इनऑर्गेनिक, टोटल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे चले गए। तो कहां कहां फ्लॉज हो रहे हैं इसे देखने की जरूरत है। व्हाटएवर आई एम स्पीकिंग उस समय से अप्लाइज टू मी एज वेल। कुछ लिस्ट बनाई थी, जैसे जनरल मिस्टेक क्या करते हैं, उसके बाद अपन उसको प्रायोरिटाइज करेंगे कि भाई हाँ इसमें कॉमन तीन की बात करी जाए जो कि सबसे बेसिक है उन प्रॉब्लम्स में। क्या है जनरली, देखो क्या है, जैसे अपन देखो किताबें पढ़ रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है, यूट्यूब पे बहुत सारे, इंटरनेट पे बहुत सारे चैप्टर्स के वीडियोस पड़े हुए हैं, लेक्चर देखा नोट नहीं कर रहा। मैं भी लाइब्रेरी में जाता हूँ, बहुतों के देखता हूँ, और हाँ मैंने भी 2-2.5 साल से जो नोट्स वगैरह नहीं बनाए हुए हैं उसका भी सेम रीजन है, डेली टास्क एकॉम्प्लिश ना करना, मतलब फीलिंग आती है। ऐसे भी इतने भी नालायक नहीं है अपन की कभी अपने आप को एनालाइज नहीं करते, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम है, बहुत कम, और हमें उसे फ्रीक्वेंट करना है, डेली बेसिस पे लाना है, क्योंकि टास्क तो डेली कंप्लीट करना होता है। अभी हम जेई के लिए जो अप्रैल के लिए, मई के लिए दिन को काउंट कर रहे हैं उसको भी डे में कर रहे हैं,
तो वर्क क्यों नहीं डे में डे बाय डे होना चाहिए? सब कुछ अपन काउंट डे में कर रहे हैं, हमारा जो साइकिल चल रहा है वो डे वाइज चल रहा है, और हम टास्क को एक सप्ताह पे एनालाइज कर रहे हैं। इसका रीजन एक चीज तो जरूर होता है, फियर। टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करते, फियर कम मार्क्स आएंगे यार, छोड़ो यार। खुद को एनालाइज नहीं करते, फियर। कई लोग तो यार रूटीन बनाना भी बंद कर चुके होंगे, और स्ट्रेटजी वीडियोस भी, मतलब उन चीजों से मैं भी नकारता हूं, और मैं भी मतलब अभी वीडियो बनाने आया हूं, हैवंट सीन एनी स्ट्रेटजी वीडियो फॉर, ना ही मार्च के लिए देखे थे, ना ही फेब के लिए देखे थे। बात यह है कि स्ट्रेटजी वीडियोस में क्या ऐसा बता देंगे, और अगर वो बता देंगे तो वो शॉर्टकट होगा। तुम्हें तो 200 प्लस चाहिए, तुम्हें तो 180 चाहिए, तुम्हें तो 99% चाहिए। सम एक्सेप्शंस में भी देयर 98% यस वेल एंड ओके, तो सबके पास अपनी चॉइस है, लेकिन स्ट्रेटजी से 98, 97 और 99 नहीं आने वाले हैं। वो लोग शॉर्टकट जो बताने आते हैं वो 80 और 100 मार्क्स तक के लिए काम करेंगे, 150 के लिए सच में मेहनत करनी पड़ती है भाई, प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है। मैं सिर्फ और सिर्फ बकबक नहीं कर रहा हूं, पौधों को तुम्हें लग रहा होगा कि मैं कर रहा हूं, लेकिन मेहनत करने जाने पे समझ में आता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब अपन मेहनत करने जाते हैं और तब ध्यान भटकता है, जब प्रॉब्लम्स नहीं हो रहे होते हैं, तो उन्हें दूसरी चीजों से कनेक्ट ना करना, वहीं पे रहना एंड इंस्टेंट उस चीज, उस पार्टिकुलर चीज के सॉल्यूशन के लिए हाथ पांव मारना। एंड फ्रेंड्स डू हेल्प। सोशल मीडिया आज से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज किसी के पास नहीं थी, और ये हमेशा याद रखने वाली बात है कि जब तक हम जेई करते रहेंगे तब तक हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किए रहेंगे। कुछ अलग भी एम्बिशंस थी जब अपन बचपन में हुआ करते थे, बचपन मतलब 9th-10th में, 6th-7th में, बहुत लोगों की मैथ्स क्या गजब हुआ करती थी। अभी यार 0 मार्क्स भी आते हैं, क्या गजब हुआ करती थी और 0 मार्क्स भी आते हैं। मेरे खुद के 8th तक तो मेरे मतलब सेमेस्टर वाइज 2-2 सेमेस्टर होते थे पर ईयर, तो 6th-7th-8th 3 साल में 6 पेपर दिए थे, उनमें 3 बार मेरे 100 में 100 आए थे, और बाकी जो 3 बार थे उसमें 1 बार 3 नंबर कटा था, 1 बार 2 नंबर कटा था, 1 बार 1 नंबर कटा था। सो सच वॉज द स्ट्रॉन्ग टॉपिक मैथ्स वॉज मेरे लिए। आज देखो 0 मार्क्स करके अटेम्प्ट भी नहीं करा था और 22-23% दे रखी है। सो द पॉइंट नीड टू अंडरस्टैंड कि ठीक है, बहुत सारे लोग ट्राई करने के लिए देते और उन्हें ज्यादा मतलब नहीं लगता, वो मतलब ठीक है क्या ही प्रोनाउंस करूं, मतलब उसी में लगे रहेंगे, BSDK, so that, ठीक है उनका अपना लैंग्वेज बना पड़ा है। कुछ लोग जो कि सीरियस होते हैं, जिन्हें कुछ करना होता है, जिन्हें सोसाइटी एक रिस्पेक्ट की नजर से देखती है, उन्हें तो यार उन एक्सपेक्टेशंस पे उतरना है, एंड नॉट दैट जस्ट लाई डाउन ऑन देयर एक्सपेक्टेशंस, ऑन द एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी, बट उनका खुद का भी नेचर होता है, उनका खुद का भी हैबिट होता है, घर का परिवार का माहौल भी वैसा कुछ होता है। सो वी हैव टू बी लाइक दैट, वी हैव टू लाई अपॉन दैट, ना कि इनके बहाव में आके अपन भी BSDK कर रहे हैं। गजब चूतिया का हो रखा है। देखो द लैंग्वेज आई हैव ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड विद YouTube, मोबाइल पे ज्यादा टाइम बिताना, ये भी एक थर्ड पॉइंट है। तो ये सब देखो, जब फोकस हमारा एक जगह हो जाएगा तो ये सारी चीजें चली जाएंगी काम से। अभी देखो बहुत सारे लोग इसको क्विट करेंगे, बहुत सारे ने बहुत पहले ही कर दिया होगा क्विट, और उन्हें लग रहा होगा कि यस दे आर ओवर स्मार्ट नहीं मतलब दे आर स्मार्ट इनफ, और कर क्या रहोगे। कैन यू इमेजिन कितने परसेंट लोग जिन्होंने बीच में स्टॉप करके रखा होगा वो लोग अपना काम करने गए होंगे, बिकॉज दे आर नॉट सीइंग my words, they are not focusing on my words, they are focusing on me, affiliate standing up and giving gyan to you, had hai, theek hai bhai, well and good। to aise logon ko tabhi yaad aati hai jab apan koi ek lecture dalenge, koi ek tricks ki baat karenge, to they will just come and go to their side, lekin khud hi mehnat nahi karenge। agar kisi ne video dekhi bhi nahi yaar, click bhi nahi kara, wo to aur bhi zyada poojniya hai। मतलब द पर्पस ऑफ यू वीडियो मेकिंग इज व्हाट, नाम दिया जाता है जो भी सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाते हैं या फिर पोस्ट डालते हैं और ज्ञान की बातें करते हैं, यू नो कुछ अच्छी बातें करते हैं, उन्हें इन्फ्लुएंसर्स नाम दिया जाता है। ऐसे ईच एंड एवरी पर्सन हु हैज सम गुड रीच एंड गोइंग डूइंग गुड वर्क शुड बी कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, लेकिन ठीक है
सोशल मीडिया है, एक ने कोई नाम नामकरण करा और फालतू लोग हर जगह अप्लाई कर देते हैं. सो नॉट जस्ट एवरीवन हु इज मेकिंग वीडियो कैन बी टोल्ड इन्फ्लुएंसर्स बट अदर्स एज वेल हु हैव द रीच ऑफ लेट्स से ऑफिस जाते हैं 50-60 लोगों से मिलते हैं, सोसाइटी में खुद ही में रहते हैं और यू नो अच्छा काम कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो इन्फ्लुएंसर्स. अपनी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, अपने फैमिली को इन्फ्लुएंस करते हैं, अपन उस पर नहीं जाएंगे. और ये सब भी एक ड्रामा है कि अपन डिबेट्स में क्यों लग जाते हैं. कोई टेलीग्राम ग्रुप बनाया पढ़ाई के लिए और उसमें ऐसी पढ़ाई करने लग गए कि भाई फिर अपना डे का जो काम है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा. हमारे पास लिमिटेड दिन है, आज 25 मार्च है और अप्रैल वाला अटेम्प्ट पड़ेगा 26, 27, 28, 29 को, 27, 28, 29 को है ना. तो हमारे पास एक महीने से भी कम बाकी रह गए. स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो पहले खुद ही इसे मेहनत करो, उसका सिलेबस तुम्हें खुद ही डाउनलोड करना चाहिए. यार इतना तो सेंस सबको होता है, तो क्यों अपन अपने आप को इतना निर्भर बना रखे हैं दूसरों पे, क्यों? तुम मुझे जानते हो, कभी ऐसा दिल से मन कर रहा है कि यस चलो किसी फ्रेंड से बात करते हैं? अच्छा फ्रेंड से बात करने से अच्छा यूट्यूब पे आई नो अ पर्सन हु टॉक्स समथिंग सिमिलर एंड यू नो सेम टाइप की बात, तो ठीक है अपन सुन लेते हैं उसको. कम लिसन एंड गो. लेकिन यार पता तो सबको होता है, नोट्स यार ईच एंड एवरी डे जो सेल्फ एनालिस खुद को एनालाइज करना सीख गया ना, उसे यार सच में फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है अपन काम करते हैं जल्दी से और जाते हैं और कोशिश करेंगे इसके बाद ऐसे कुछ सिर्फ और सिर्फ बातें ना करें. इसके बाद कभी कुछ पढ़ते वक्त ऐसा लगता है कि हाँ चैप्टर में कुछ ब्यूटीफुल पॉइंट्स मिल गए, उस पर वीडियो बनाया करेंगे और उस पर क्लिक्स भी कम होंगे. लेकिन ठीक है 50-60 persons if they are regular well, उतना काफी है. सॉल्यूशन पे नहीं प्रॉब्लम, हाँ सॉल्यूशन अपन ओरिएंटेड नहीं है. ये सब जनरल पॉइंट अभी तक के बकवास में, बकवास नहीं था अच्छी बातें थी, तो अभी तक की बातों में वो सारा चीज इंक्लूड हो गया. मतलब तुम्हें अभी फुल फ्लेश्ड फील हो रहा होगा कि यार सिंपल बात थी, सिर्फ और सिर्फ बात, अब कोई और चीज नहीं चाहिए. कि अगर फोकस वहां पे है तो और कहीं ध्यान नहीं जाएगा, जाएगा तो आई हैव टू कट डाउन दैट. डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट कोई एक वर्ड होता है, अगर तू भी जा रहे तो आई विल डू सम सॉल्यूशन फॉर दैट. सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं. उसे फिर चीजों को कनेक्ट करके उसमें खो नहीं जाना है, ध्यान नहीं लग रहा है. आई विल उठ जाएगा खुद से बाहर और जरा टहल बहल के आएगा 5 मिनट में. अगर 5-6 घंटे हो चुके हैं जगे हुए, नींद आ रही है, सो जाएंगे अपन आधा 1 घंटा किसी को बोल देंगे जगा देने को. यार प्रॉब्लम कोई समझ नहीं आ रहा है, उसका सॉल्यूशन करेंगे ना. ठीक है कहीं कहीं स्टिकर्स नहीं खरीदने हैं, पेपर पे कुछ लिखा और ग्लू से दीवार पे चिपका दिया, कहीं पे चिपका दिया. सुबह उठ के कुछ ध्यान नहीं रहता है तो मिरर तो अपन देखते हैं, तो मिरर पे कुछ चिपका दिया. यार अब अ पर्सन बिसाइड मी इज डूइंग ऑल दीज थिंग्स, सो ही हैज फायर विद इन हिम. तो सॉल्यूशन पे ध्यान देने की जरूरत है यार. और तुम अभी जो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि क्या बड़बड़ कर रहा है, ज्ञान दे रहा है, इसे चैप्टर्स के नाम बताने चाहिए, विच चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट, तो मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि ये काम सिर्फ मैं तो कर ही दूंगा. लेकिन अगर तुम करना नहीं सीखे और जेई निकाल भी लिए तो भी एक लैग तो तुम्हारे अंदर रह जाएगा, वो चीज तुम्हें बाद में सीखनी पड़ेगी. आज तुम सीखते हो तो उसका बेनिफिट और उसका एज तुम्हें प्रिपरेशन में भी मिलेगा और बेहतर करोगे, क्योंकि यू आर बिकमिंग सेल्फ डिपेंडेंट. टीचर्स बताओ, आज टीचर्स को स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है. स्ट्रैटेजी कांट बी जनरल यार, स्पेसिफिक होती है. हाँ एक चीज जो हम अपन फ्लो में और मोटिवेशन वाले लाइंस में भूल जाते हैं, कहीं ना कहीं कभी नींद आ रहा है, कभी दिमाग अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है ना, बार बार चिढ़ हो रही है ना, अच्छा नहीं लग रहा है,
तो इन सब के रीजन में हमारा एक रूटीन भी होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट रूटीन। रात की नींद लेनी है, रात की नींद लीजिए, सुबह की नींद लेनी है, सुबह की नींद लीजिए। ये पता कैसे लगेगा? तो 3-4 दिन 5 दिन 6 दिन ट्राई करिए। आपको हो सकता है कि एक ही दिन ट्राई करा, कल ही से बेकार बेकार सा फील हो रहा है, तो बी नेचुरल। 12 बजे सो जाइए और सुबह 6 बजे 7 बजे उठिए। ओवर एक्सपेक्ट क्यों करना, क्यों 4 घंटे सोना है इसकी वीडियोस देखना? मैं खुद कर चुका हूं और बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते, वेल एंड गुड, गो अहेड यार, लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं। सोचो यार, 2-3 साल हो चुके और अपन बहुत पहले से करते आ रहे हैं, सोचते आ रहे हैं, ना कभी 4 घंटे सोए और ना उसका कभी फायदा लिया। सोचो अपन ने 8 घंटे भी नींद ली हुई होती और रेगुलर अपन काम कर रहे होते सही डायरेक्शन में, तो क्या शॉर्ट टर्म गोल्स पे नहीं काम करना है? अभी किसी ने इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए और अप्रैल में निकल पड़े, फिर वो गड़बड़ करेगा क्योंकि मई भी अभी आगे है। तो रूटीन ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे से समझदार आपको। और इन सारी चीजों में ना हमारे मम्मी पापा बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, उनकी टीचिंग्स उनकी गाइड्स बहुत ज्यादा याद आती हैं। बोलते हैं ना आज तो सिर्फ और सिर्फ मजाक उड़ाया जाता है, मतलब ठीक है एक फ्लो में है आप ठीक है उस मूड में तो चलता है, मतलब आप हंसते हैं, लेकिन वो सीरियस अंदर तो नहीं बैठना चाहिए। और कभी कभी अपन सीरियस में किस चीज को ले लिए होते हैं और फिर भी ऐसा फील करते रहते हैं, नहीं ठीक है, मतलब जैसे उनका इन्फ्लुएंस हो चुका होता है, नजरअंदाज कर रहे हैं अपने मम्मी पापा की बातों को, है ना, और अपने आप को अंदर सोच रहे हैं कि नहीं मैं तो एक अच्छा सिंसियर बनता हूँ, आई लिसन माई पेरेंट्स। तो भाई अगर आपके लाइफ में वो चीज इंप्लीमेंट होने लिए तो वॉट आर यू डूइंग, वॉट आर वी डूइंग, वॉट आई एम डूइंग? अपने आप को अंधेरे में रख रहे हैं कि नहीं I am good listener, I am good, अच्छा बच्चा हूं मैं? No, there is vacuum somewhere. खुद को डे वाइज, वीक वाइज, fortnightly, 15-15 दिनों पे एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन इट विल बिगिन विथ डे। और डे भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो डे को भी 2 पार्ट में डिवाइड करिए। आपके पास 1 दिन में 2 दिन मिल जाएंगे। अगर आधा दिन बेकार गया, लेट्स से 6 बजे सुबह जग रहे हैं और 12 बजे एनालाइज कर रहे हैं कि 6 घंटे में मेरी एफिशिएंसी कितनी रही, अगर सही नहीं रही तो हमारे पास मौका है कि अगले 6 घंटे में सुधार लें। अगर शाम में 6 बजे एनालाइज करते, फिर मौका है कि अगले 6 घंटे में रात के 12 बजे सोने से पहले तक सुधार लें। सो वी हैव 3 चांसेस टू ओवरकम आवर प्रॉब्लम्स। तो ये सब सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशंस एग्जिस्ट, डू एग्जिस्ट, अपन फोकस कहां करते हैं। और मेरे को पता है कि अभी तक अगर जो कोई टीका है ना, शायद उसके मन में है कि ठीक है इसके बाद से मैं लग जाऊंगा, तो प्लीज लग जाना। और ये जरूर याद रखना कि मैं जो ये बात कर रहा हूं, YouTube इज नॉट गोइंग टू बी माई करियर, एंड इस बात को लिख लेना तुम, मतलब लिख के क्या करोगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं। तो एम हो सकता है कि YouTube पे वीडियो बना रहा हूं, आई एम सो कॉल्ड यूट्यूबर, लेकिन यूट्यूबर isn't gonna be my profession. बोलते हैं नहीं प्राइमरी, नो, बहुत सारी चीज करने को है। अपन जब याद करते हैं किसी पर्सनालिटीज को और द काइंड ऑफ वर्क दे आर डूइंग, द काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस देयर वर्क्स हैव बीन, तो वो ये बातें करने से बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लोग जो बातें करते हैं वहां पे देखो, वो सिर्फ बातें नहीं करते, वो कुछ काम कर रहे हैं, फिर आके बात कर रहे हैं, वट आई एम डूइंग, मेरे को भी पढ़ना चाहिए था। If I am doing this, so this is not my primary work. तो अभी तक जो points मिले, routine सुधारना है, अपने आप को रोज analyze करना है, अगर दिन सुधर नहीं रहा है तो उसे 2-3 पार्ट में डिवाइड करना है, और उसके बाद में हर एक 2 घंटे में एनालाइज करने को नहीं बोल रहा, उस पर अपन सोचते हैं कि यार अभी तो शुरुआत ही नहीं करा, अभी तो यही सोचता रहेगा, तो फोकस ही नहीं बन पाया, अच्छा नहीं लगता है, 2 बार या फिर 3 बार एनालाइज करिए। सोल्यूशन ओरिएंटेड रहिए, सिंपल लाइन, ये बहुत ज्यादा मोर देन एनफ है ईच एंड एवरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे। जिस जहां पे प्रॉब्लम हो रही है, पिन पॉइंट उस प्रॉब्लम को सुधारने की कोशिश करिए। अगर प्रॉब्लम आ रही है मैथ्स में, तो आई विल नॉट गो टू एनी मोटिवेशन स्पीकर, आई विल नॉट गो टू लिसन सॉन्ग्स। जैसे ही उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा, आपके अंदर खुद ही उससे ज्यादा 4 अंदर आ जाएगा, यार मजा आ गया यार, मतलब बाजी खिल जाएंगे, और अगर नहीं खेलते तो धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी। कहीं ना कहीं अपन
डिटैच हो गए हैं पढ़ाई से। बेकार के गॉसिप डिबेट्स नहीं करना है, ये सब जनरल पॉइंट है, अपन वो काम करना तो अपन फुर्सत मिलेगी क्या? कभी टेलीग्राम पे कोई ग्रुप बना हुआ है, मैंने खुद भी बनाया हुआ है, तो उस पर गॉसिप होने लग जाएगी तो अपन खुद ही साइड ले लेंगे। जो लोग कर रहे हैं ऐसा, देखो सबको फोर्सफुली स्टॉप नहीं किया जा सकता, ये धीरे धीरे, बोलते हैं ना आत्मज्ञान प्राप्त होता है। कभी कभी मैं भी जिद्दी हुई टाइप हो जाता था कि आज तो मैं समझा के ही रहूंगा, कभी छोटे भाई बहन होते हैं, कभी खुद होते हैं अपन, लेकिन ठीक है मैंने मिस्टेक करी है 2-3 सालों में, तो उसका बेनिफिट मिलता है, यही निकले ना निकले, लेकिन अगली बार अपन उन चीजों को दोहराने से बचते हैं, या फिर एक एक्सपीरियंस हो जाता है। जो लोग नहीं करते हैं उन्होंने खुद ही ओवरकम कर लिया है उन चीजों को, उन चीज में वो पड़े ही नहीं, और जो लोग अभी कर रहे हैं और अपन रोक नहीं पा रहे हैं, तो अ काइंड ऑफ लर्निंग इज गोइंग थ्रू दे, मतलब वो ऐसे रास्ते से गुजर रहे हैं जो बाद में मुड़ के देखने पे उन्हें समझ में आएगा हाँ दे वर गोइंग रॉन्ग, तो अगली बार से वो नहीं जाएंगे। तो जो जो कर रहा है क्या कर सकते हैं अपन, जैसे मैं ही अभी तक नहीं पढ़ रहा हूं तो माई कलीग एंड माई बेस्ट फ्रेंड समझाता है मेरे को, लेकिन वॉट इज ही कैन डू, क्या ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर सकता है, लेक्चर नहीं ले सकता है। वैसे मैं उसे जवाब दे दिया करता हूँ कि डोंट कम टू मी, आना है तो यार चैप्टर को समझाओ यार, लेकिन मैं क्या करता हूँ, एक सिंपैथी गेन वाली काम करता हूँ, मेरे को मेहनत करना है ना, क्या मैं हाथ जोड़े फिर रहा हूँ, आसान काम, मेहनत करना इज अ टास्क, वो हुआ ना सब स्वावलंबन वाला काम, वो है ना सेल्फ, ऐसा थोड़ी डाउट पूछने नहीं जाना है। मैं कह रहा हूं कि अंटिल एंड अनलेस वी डोंट डू खुद से मेहनत, दूसरे का यू नो स्पून फीडिंग करना विल नॉट वर्क, विल नॉट हेल्प। फालतू मार्क्स आने के बाद भी रिजल्ट का वेट करना, ये तो बुलशिट है, बेकार है, मींस दिस बुलशिट वर्ड इज अपने आप में बेकार, फालतू सा। पढ़ने से ज्यादा प्लान करना, यस ये भी चीज है, तो प्लान एक बार बनते हैं उसको फॉलो किया जाता है, पीछे मुड़ के देखने पे अगर काम नहीं कर रहा है तो चेंज करना होता है, लेकिन वो भी फ्रीक्वेंट नहीं, रोज रोज और 3-4 दिन पे, कई लोग तो 3-4 दिन पे बनाते हैं और पता चलता है 3 दिनों में फॉलो नहीं करा था, तो वहां पे भी चेंज करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो सबके लिए ये चीज नहीं है कि प्लान में चेंज, या प्लान को आपने फॉलो नहीं करा था तो वो वर्क कैसे करेगा, हाउ कैन आई एक्सपेक्ट दैट टू बी वर्किंग। सिंपैथी वर्सेस एक्सेप्टेंस, कई लोगों को जो लोग होते हैं यू नो अभी उनके अंदर का स्वयं जिंदा है, तो उनपे ये चीज बहुत ही अटैक करती है कि यार मैं हो क्या गया हूं, क्या बन गया हूं मैं क्या हुआ करता था, अभी मैं क्या हो चुका हूं, कोई चीज इन्फ्लुएंस्ड करना बंद कर चुकी है, मेरे खुद का कोई वजूद नहीं रह चुका है यार, मतलब मैं खुद ही उड़ाया जा रहा हूं, अपनी इज्जत उछाले जा रहा हूं, बेशरम हो चुका हूं, आई हैव बिकम काइंड ऑफ यू नो क्या, मतलब क्या बन चुका हूं। अपन 7th-8th class में तो अच्छे हुए करते थे इससे, तो इट हैपेंस अगर अपन इन चीजों पे ध्यान देते हैं और एक बार फोकस, मतलब इस पे एक बार सोचते हैं ना, तो जरूरी जरूर नेक्स्ट टाइम ये काम करती हैं। और अच्छे जब अपन माहौल में रहते हैं, अच्छी चीजें सोचते हैं, अच्छे चीजों के संपर्क में रहते हैं, तो ये सारी चीजें खुद ब खुद गायब हो जाती हैं। और अपन जब सीरियस बात कर रहे थे तो ऐसा लगता है यार वेयर द लाइफ गॉट स्ट्रिक्टेड, सिमट गई यार, चारों तरफ सीरियसनेस ही नजर आ रहा है, क्या हो रखा है यार, मतलब लाइफ में चार्म नहीं नजर आ रहा है, वो ये क्योंकि अभी हम सीरियस बात कर रहे हैं, हर जगह हंसी मजाक करने की जरूरत नहीं है, जब अपन मेहनत करेंगे पढ़ लेंगे और फिर उसके बाद देखना तुम्हारा खुद ही मन करेगा हंसने को खेलने को, तुम रोड भी जाते रहोगे तुम्हें तो सीरियस चीजों में भी फन दिखेगा, फन क्या दिखेगा, अंदर से शांति दिखेगी, कोई बच्चा खेल रहा है यू वुड बी यू नो उस पे देख रहे हो, अगर तुम देख रहे हो हाउ व्हाट अ ब्यूटीफुल, कितना अच्छा स्माइल करता है, कितने अच्छे से खेलता है, कितनी निश्चलता होती है, कितनी मासूमियत होती है, हाउ इनोसेंस इज दैट, वाओ, कभी तुम भी उसे खिलाने लगोगे, खेलने लगोगे उसके साथ, फिर अपना काम करोगे। सो सच काइंड ऑफ चार्म कम्स इन आवर लाइफ व्हेन वी स्टार्ट डूइंग आवर वर्क व्हाट वी आर एक्सपेक्टेड टू, व्हाट वी शुड बी डूइंग। सो ठीक है, एक प्लेज लेते हैं कि वी आर गोइंग टू इम्प्रूव आवर डे टू डे स्केड्यूल्स, प्रॉब्लम पे नहीं सॉल्यूशन पे फोकस करने चाह रहे हैं, पढ़ने चाह रहे हैं, पढ़ने से रिलेटेड कोई भी समस्या आएगी तो उसका समाधान करेंगे, बाकी सब तो हम बड़े हो रहे हैं
और बहुत सारी चीजें लोगों ने समझाई है, बहुत सारी चीजें हमने खुद भी सीखे हैं, जैसे आत्म ज्ञान कहते हैं, तो वी आर वेल कैपेबल इनफ टू यू नो कंट्रोल आवर सेल्व्स। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, लेकिन कुछ काम वाली बात के साथ। हमेशा प्लानिंग वाली बातें करना, एज आई पहले ही सेड कि यूट्यूब इज नॉट माई प्रोफेशन, वरना ईच एंड एवरी वन के कमेंट के रिप्लाई देना, और कभी कभी कुछ के कमेंट पढ़ के निरस हो जाना, उदास हो जाना, कभी उनके बारे में सोचने लगना, दीज थिंग्स वोंट हैपन अगर इट वुड ये मेरा प्रोफेशन होता। और मैं तुम्हें ये नहीं बोल सकता कि यस, देखना बाद में कि वेदर आई मेक दिस यूट्यूब माई दैट थिंग और आई डू समथिंग मोर, जरूरी काम विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री, फॉर द सोसाइटी, फॉर माई एंड फॉर माई फैमिली, शायद यू नो अपन सबके लिए भी। मिलते हैं साथ में, जा रहा हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने। वट यू आर गोइंग टू स्टडी, खुद से जा सकते हो पढ़ाई करने या फिर कॉमेंट कर सकते हो, वो ज्यादा अच्छा लगेगा, सिवाय तुम शाबाशी दो या फिर गाली लिखो, जो भी कर। चलो बाय।